हाय गाइस, दिस इज सनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बी सनी। तो आज मैं रिव्यू करूंगा नितेश तिवारी डायरेक्टेड फिल्म बवाल, स्टारिंग वरुण धवन एंड जानवी कपूर। सो इस फिल्म का जो लेंथ है वो 2 घंटे 15 मिनट का है, जो कि एक ठीक ठाक लेंथ है मेरे हिसाब से। एंड इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है एंड ऑडियंस को कहीं पे भी बोर फील नहीं होने देता। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सी स्टोरी लिखी है अश्विनी अय्यर तिवारी ने एंड इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी सर ने। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने उनकी फिल्में देखी हैं, जैसे कि दंगल या फिर छिछोरे, नितेश तिवारी की जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है एंड बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग रहती है। वो जो कहना चाहते हैं अपनी कहानी के थ्रू वो स्ट्रांगली डिलीवर कर पाते हैं ऑडियंस के पास एंड ऑडियंस उस चीज़ से कनेक्टेड भी रहती है थ्रू आउट द फिल्म। इस फिल्म की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड एक मैसेज देने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा कि कैसे आजकल जो है इंसान वो अपना काइंड ऑफ दबदबा या फिर क्रेज या फिर रौला आप कह लो, वो बनाने के लिए बहुत कुछ कर लेता है, बट द एंड ऑफ द डे उसको ये रियलाइज़ होता है कि भले ही दूसरों के पास जितना कुछ भी है उसे खुद में संतुष्ट रहना चाहिए। वो इस बनावटी दुनिया के साथ अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के उसी को तकलीफ़ होगी। सो इस चीज़ को उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 से बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट किया है एंड जिस तरीके से वो दिखाया गया है तो वो काफ़ी अच्छा एंड एंगेजिंग लगता है देखने में। इसकी स्टोरी की बात करूँ तो वरुण धवन एक बहुत ही सेल्फिश सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अजय दीक्षित का, जिसको कि मार्केट में अपना रौला मेंटेन करके रखना है एंड इसीलिए वो जानवी कपूर जैसी एक पढ़ी लिखी काइंड ऑफ मॉडर्न लड़की से वो शादी कर लेते हैं। हालांकि जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है निशा दीक्षित, वो उन्हें बता देता है कि उन्हें कोई बीमारी है, बट इसके बावजूद भी वरुण उससे शादी कर लेते हैं। बट शादी के बाद वो जो बीमारी है वो उन्हें फिर से होने लगती है एंड इसीलिए किसी रीज़न की वजह से वो लोग यूरोप जाते हैं घूमने के लिए, जहां वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। सो ये जो है ये इसकी बेसिक स्टोरी है एंड इसके थ्रू ही उन्होंने वो मैसेज देने की कोशिश की जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे इंसान सेल्फिश होता जा रहा है एंड वो बस दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता है, उसके पास जो चीज़ें हैं वो आजकल इंसान नहीं दिख रहा है। एंड नितेश तिवारी की खासियत ये है कि उन्होंने इस फिल्म के थ्रू अपनी जो बाकी उनकी जो फेवरेट मूवीज़ हैं या फिर कह लो जो चीज़ें उन्हें पसंद हैं उनको एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। एंड द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के बारे में भी इस फिल्म में जिक्र है एंड एक और सीन है जहाँ पे जानवी कपूर का करेक्टर कहता है कि उनकी फेवरेट फिल्म है गुडविल हंटिंग। अगर आपने नितेश तिवारी के कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो नितेश तिवारी की जो फेवरेट फिल्म है वो भी गुडविल हंटिंग ही है, तो यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को भी बताया है। एंड बीच बीच में नरेशन के थ्रू भी कहानी को आगे ले जाया जाता है एंड मनोज बाबा का नरेशन काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में एंड काफ़ी उनकी जो आवाज़ है वो ऐसी है कि मतलब सुन के मज़ा आ जाता है एंड जो कहानी बताते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंगेज करके रखती है ऑडियंस को। हालांकि लास्ट के जो कुछ मिनट्स हैं वो थोड़ी बहुत बोरिंग हो जाएगी मे बी कुछ ऑडियंस के लिए, बट ओवरऑल ये फिल्म अच्छी है, बहुत ही लाइट हार्टेड फिल्म है एंड कुछ जगहों पे जो कॉमेडी है वो भी वर्क करती है, एटलीस्ट मेरे लिए तो वो कॉमेडी वर्क कर रही है, किसी और के लिए करे ना करे। एंड लास्ट के कुछ सीन्स मे बी आपको थोड़ा सा बोर फील हो, बट दैट डजेंट मीन कि फिल्म बुरी है। फिल्म बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड इन्होंने इस फिल्म को OTT पर रिलीज़ किया बिकॉज इसमें शायद वैसे कुछ कमर्शियल एलिमेंट्स है नहीं, बट थिएटर में भी मेरे हिसाब से क्योंकि लव स्टोरीज़ चल रही हैं आजकल एंड इस फिल्म में कॉमेडी भी है तो मे बी अगर ये फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करते तो थिएटर में भी अच्छा खासा बिजनेस कर सकती थी ये फिल्म। एंड रही बात कि मैंने कहा कि फिल्म को ट्रिम किया जा सकता था, तो हाँ फिल्म में उतने गाने हैं एंड वो कहीं ना कहीं वैसे गाने अच्छे हैं, गाने बुरे नहीं हैं, बट मेरे हिसाब से अगर गानों को हटा देते एंड कुछ एक सीन्स को थोड़ा सा ट्रिम कर दे तो फिल्म और छोटी हो सकती थी। अगर OTT पे ही लाना था तो ये जो प्रमोशनल मटेरियल है जैसे गाने वगैरह इनको हटा देते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता, बट वैसे भी फिल्म अच्छी बनी है एंड नितेश तिवारी इतने काबिल डायरेक्टर हैं तो डेफिनेटली वो जो कहना चाहते हैं वो तो कहेंगे ही। एंड जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट हाँ अब तक की जो उनकी फिल्मोग्राफी रही है, चाहे आप गुंजन सक्सेना ले लो या फिर अमली ले लो जो उनकी लास्ट रिलीज़ हुई थी, सो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक वेल रिटेन फीमेल कैरेक्टर्स को प्ले करने का उन्हें मौका मिला था, फिर आप कह लो कि उन्होंने वैसे कैरेक्टर को चूज़ किया था, सो वो भी काफ़ी अच्छी फिल्में चूज़ कर रही हैं आजकल। एंड इवन वरुण धवन भी अगर आप देखो तो वो दोनों टाइप का सिनेमा प्ले करना जानते हैं, उन्होंने कमर्शियल फिल्में भी की है या फिर वो ऐसी कुछ आर्ट फिल्में भी करते हैं या फिर दोनों टाइप की फिल्में वो प्ले करते हैं, एक जो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक होता है एंड एक जो कैरेक्टर जो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो। सो दोनों टाइप के कैरेक्टर्स वरुण धवन प्ले करना जानते हैं एंड इज़ अ गुड एक्टर। एंड जानवी कपूर की भी अब तक की जो उनकी सभी फिल्में रही है उनमें आई वुड से कि उनकी नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस, बट हाँ अच्छी परफॉर्मेंस रही है जानवी कपूर की। एंड कहीं कहीं पे जानवी कपूर का करेक्टर जो है वो कुछ बोलता नहीं है, बट आप उनके एक्सप्रेशन से ही वो फील कर लोगे जो ये फिल्म आपको फील कराना चाहती है। सो ओवरऑल मुझे ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 स्टार एंड डेफिनेटली आप लोगों को एक बार ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश की नितेश तिवारी ने इस फिल्म के थ्रू एंड आप लोगों को फिल्म ज़रूर पसंद आएगी।
सो ये था मेरा रिव्यू बवाल के लिए। आप लोगों को रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।